बीते कई सालों से मेलघाट में भीषण समस्या दिखाई दे रही है, जिनमें कुपोषण, माता मृत्यु, बाल मृत्यु, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार जैसी समस्याओं की वजह से मेलघाट के आदिवासी संघर्षमय जीवन बिता रहे हैं। बीते एक दशक से आमदार न होने के चलते मेलघाट के राजकुमार को जनता की समस्याओं के लिए शासन एवं प्रशासन से कड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आज मेलघाट का राजकुमार फिर से अपनी जनता की सेवा में विधायक बनकर मेलघाट में तन मन धन से कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। बीते कई सालों से व्याघ्र विभाग द्वारा अनेक कार्यों में रोड़ा बनकर समस्या निर्माण करने का काम जारी था, जिसके चलते मेलघाट के मुख्य से लेकर अंतर्गत मार्ग बदहाल की परिस्थिति में आ गए थे। इसको देख विधायक राजकुमार पटेल द्वारा मंत्रालय में वन विभाग के मंत्रियों से बैठक कर व्याघ्र विभाग की समस्याओं का हल करते हुए मार्ग बनाने हेतु अब व्याघ्र विभाग की अनुमति लेकर कार्य किया जा सकेगा, जो कि एक राहत की बात है। वही विधायक राजकुमार पटेल द्वारा मनरेगा अंतर्गत रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध करवाने की बात कही गई तथा समय पर मेहनताना मिले इस बाबत में शासन प्रशासन के स्तर पर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। मेलघाट के अनुभवी तथा श्रम प्रतिष्ठित विधायक होने के चलते मेलघाट की विभिन्न समस्याओं को शासन के दरबार में रखकर जल्द से जल्द छुड़वाने के प्रयास विधायक बनते ही राजकुमार पटेल ने आरंभ कर दिए, जिनमें उन्हें भरपूर सफलता भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते मेलघाट वासियों को बड़े अरसे के बाद अब न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा है। विधायक राजकुमार पटेल द्वारा गोडाउन कामगार का कई वर्षों का बकाया वेतन लगभग 50 लाख रुपए मंजूर करवाकर गरीबों को सहकार्य किया गया। इतना ही नहीं, मानधन तत्व पर सेवा देने वाले वैद्यकीय अधिकारियों का वेतन 40,000 किया गया था, जिसके चलते अब मेलघाट में वैद्यकीय अधिकारी आकर्षित होकर मेलघाट की जनता को उच्चतम आरोग्य सेवा बहाल कर सकेंगे। मेलघाट के राजकुमार ने बताया कि अकोला के पालक मंत्री बच्चू कड़ू, अमरावती पालक मंत्री यशोमती ठाकुर का सहकार्य लेकर वे जल्द ही सभी विभागों के मंत्री महोदय से मिलकर हर विभाग की समस्याओं का निराकरण कर मेलघाट की जनता न्याय दिलाएंगे और जनता ने जो भरोसा उन पर किया है उसमें वे 100% खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आरोग्य सेवा सुचारू करने हेतु राजकुमार पटेल द्वारा मुहैया कराई गई रुग्णवाहिका दूर दराज के ग्रामीणों को तुरंत आरोग्य सेवा देने में तत्पर नजर आ रही है। अब आने वाले समय में मेलघाट का राजा राजकुमार पटेल मेलघाट के हर मेलघाट वासी को राजा जैसी जिंदगी जीते हुए देखना चाहते हैं। ऐसी उनकी दिली इच्छा है तथा इसके लिए वे सदैव प्रयत्नशील है। और तो और सर्वसामान्य आदिवासी तथा कार्यकर्ता भी अगर मेलघाट के इस राजा को फोन लगाते हैं तो एक ही आवाज सुनाई देती है और वो है राजकुमार पटेल मांडीला के। आज हम बरसों से इस मेलघाट क्षेत्र के जनता जंगल के अंदर रह रहे हैं। हमें मूलभूत सुविधा भी नहीं है। मेरी पूरा कोशिश है कि हर गांव को, हर मेलघाट में रहने वाले नागरिक को मूलभूत सुविधा मिले, जैसा रास्ता हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षण हो और आरोग्य की सुविधा। विशेष करके क्या है कि हमारे यहाँ जो जनता पलायन होती है, बाहर मजदूरों के लिए जाते हैं, उनका शोषण होते हैं, वो शोषण को रोकने हमें रोकना है। और मेरी एक कोशिश ये रहेगी कि हर डिपार्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा नरेगा के काम हो ताकि मजदूर बाहर जाए नहीं। और दूसरी बात एक है कि हम जब तक मांग नहीं करते नहीं काम के, तब तक हमको काम मिलते नहीं है। ये हमारे अशिक्षित लोगों की एक व्यवहार है। मैं ये बताना चाहता हूँ शासन को कि हमें बगैर मांगनी करे हर गांव में काम उपलब्ध कर देना चाहिए, जो कि मजदूर बाहर जाने से रुके जाए। आज हम आरोग्य के बारे में अगर बात करें तो हमारे उप जिला रुग्णालय और हमारे जो भी PHC है, जो यहाँ पे 3-4-5 PHC है, वो PHC में टोटल नर्स के स्टाफ नहीं है, डॉक्टरों की कमी है, टाइम पे डॉक्टर मिलते नहीं हैं, बाहर के डॉक्टर आए तो कुछ दिन रुकते और चले जाते हैं, ऐसा ना हो। इसलिए मैंने अभी परसों के ही दिन माननीय नामदार आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब से मिले और उनको बताया कि मैंने बोला हमारे मतदार संघ में, मेरे मतदार संघ में जो स्थानीय डॉक्टर और नर्स है और जो रिक्त पद है, मैंने बोला वो रिक्त पद अगर मान लो भर दिए तो हमारे लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है और वो बाहर जाएंगे भी नहीं और हमारे मेलघाट में अच्छी सेवा देंगे। उन्होंने खुद होके कहा है कि मुझे मेलघाट आना है और मुझे मेलघाट के इंडस्ट्रियल एरिया में जाना है, कि जो कि मैंने उनसे कहा कि मेलघाट में जो भी आरोग्य मंत्री आता है वो एक मेन रोड पे आ जाता है और मेन रोड के ऊपर PHC और
एसडीएच जैसे दवाखाने को भेंट करके और चले जाते हैं। मुझे मेलघाट दिखाना है आपको कि मेलघाट में क्या असुविधा है और कितनी परेशानी है और हमारे जनता कितने परेशानी में जी रहे हैं, वो मैं आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब को बताना चाहता हूँ। उन्होंने खुद होकर कहा कि मैं मेलघाट आऊँगा, आप मुझे मेरे कार्यक्रम बताए। अभी आने वाले हफ्ते में मैं मुंबई जाऊँगा तो मैं उनसे जरूर मिलूँगा और उनका तारीखी लेके आता हूँ मैं और उनको पूरा मेलघाट दिखा देता हूँ कि हमारे यहाँ कुपोषण की क्या हाल है, डॉक्टरों की क्या हाल है, जनता कितने परेशान है, कितने और कितने पीएससी की आवश्यकता है। मैंने एक चाकरदा पीएससी और टीटाम्बा पीएससी, एक वस्तापुर पीएससी ऐसा, और काटकुम चुन्नी एरिया में एक मानूम पीएससी, चार पीएससी का मैंने मांग किया है क्योंकि भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और इस बहुत बड़ा क्षेत्र में हम पीएससी तक भी हमारे लोगों को पहुँच नहीं पाते हैं। जैसे अभी पिछले हफ्ते माननीय नामदार संजय वो राठौड़, हमारे पालक मंत्री यशोमती ताई और नामदार बच्चू को कड़ू, इनके साथ में वन मंत्री से हमने बैठक की है। मेन बोले तो क्या है कि हमारे यहाँ रास्ते के मेन प्रॉब्लम है और फॉरेस्ट के नियम इतना बिल्कुल कड़क है कि वो नियम के आधार पर अगर हम चले तो हमारे रास्ता बनना ही मुश्किल है। आरोग्य मंत्री के साथ में जब पालक मंत्री यशोमती ताई और नामदार बच्चू को कड़ू हम बैठे, उस समय एक सोल्यूशन निकाला कि रास्ता तो होना ही है, चाहे कुछ भी हो रास्ता होंगे, रास्ता मूलभूत सुविधा में आता है और मूलभूत सुविधा हर व्यक्ति का अधिकार है, वो होना चाहिए। उन्होंने एक नए जीआर निकाले रास्ते के लिए कि भाई जो पुराना रास्ता है, जो खड़ीकरण है उसको खड़ीकरण कर, अगर तुमको डामरीकरण करना है उसके ऊपर तो परवानगी लो, जो रास्ता डामरीकरण है तो उसको डामरीकरण ही कर, उसके लिए परवानगी की आवश्यकता नहीं है। खड्डे भरने के लिए कोई किसी की परवानगी की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना है कि रास्ते की जो लेंथ है वो जो पुरानी लेंथ है वो लेंथ के बाहर जाए मत, ये उन्होंने एक शर्त रखी है और वो शर्त हम वो शर्त का बिल्कुल सम्मान करेंगे, उसका उल्लंघन होगा नहीं। मेलघाट के हर जितने भी रास्ता है वो रास्ता हो, ये हमारे मेलघाट की जनता की एक आशा है, उनको भी लगता है कि हम भी डामरीकरण रोड से चले। आज यहाँ सुशिक्षित बेरोजगारी की भी बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारे लड़के पढ़े लिखे हैं लेकिन रोजगार उन्हें मिल नहीं रहा है। अभी आने वाले समय में एक MIDC के संदर्भ में एक बैठक होने वाली है और उस बैठक में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे धारणी MIDC को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे यहाँ APMC इतने निम्न स्तर पे है कि उनको ऑफिस के कार्यालय की भी बिल्डिंग नहीं है। 6,22,00,000 का एक प्रपोजल दिया है मंत्रालय में, कोरोना की वजह से ज़रा थोड़ा सा किसी पाड़वी साहब पणन मंत्री महोदय ने कहा है कि थोड़ा मैं इतना पैसा तो अभी एक साथ दे नहीं सकता लेकिन कुछ पैसे जरूर दूंगा कि तुम्हारे ऑफिस और एक दो चार गोडाउन हो जाए और एक रितसर वो यहाँ पे APMC शुरू हो जाए, ऐसी मैं व्यवस्था करता हूँ, उन्होंने कहा है। और भी ऐसे बहुत सारे विषय हैं कि जिनको लेके मुझे आप एक ही बार में सभी विषय तो होगा नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आने वाले जो समय है वह समय में मंत्री महोदय से मिलके हमारे पालक मंत्री बच्चों को साथ में लेके मेलघाट की जितनी भी समस्या है वो समस्या को मैं छुड़ाने का पूरा कोशिश करूँगा। एक मेलघाट की जनता मेरे से बहुत कुछ अपेक्षा रखता है और मैं चाहता हूँ कि इस मेलघाट क्षेत्र के हर समस्या को मैं बिल्कुल शांतपूर्वक सबको साथ में लेके विश्वास में लेके इस समस्या को छुड़ो, ऐसी मेरी एक दिलो तमन्ना है और हम मेलघाट के सभी जनता की एक अपेक्षा है कि हमारे मेलघाट कहीं ना कहीं एक कप चिकलदरा के नाम अगर लिया जाए तो चिकलदरा में स्काई वॉक बन रहा है, वो जो कि हमारे जग में दूसरा नंबर का है, जग में दूसरा नंबर पर तो हमारे मेलघाट क्षेत्र कि चिकलदरा जो गांव है उसमें जो स्काई वॉक बन रहा है वो पहला सबसे बड़े स्काई वॉक चीन में है और दूसरा हमारा मेलघाट चिकलदरा में है। तो अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे चाहे काश्तकारों के प्रश्न हो, विद्यार्थियों के प्रश्न हो या आरोग्य के प्रश्न हो, रोजगार के प्रश्न हो, इन सभी प्रश्नों को मैं पूरे सुलझाने के मैं कोशिश करूंगा मंत्री महोदय उनको साथ में लेके उनको यहाँ की पूरे जितने भी परेशानी है उनके सामने रखूंगा और मेलघाट की जनता को मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अपने समस्या मैं आने वाले कुछ दिनों में मैं जरूर इनको सुलझाऊंगा। धारणी से विदर्भ न्यूज के लिए तस्मीन शेख के साथ सुलेमान मेमन एवं जुगल किशोर जायसवाल की रिपोर्ट।